नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल NMF न्यूज पर। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी काफी दिनों से रिलीज के लिए तरस रही है। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म इमरजेंसी को CBFC यानी सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने पास नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट अटकी हुई है। फिल्म इमरजेंसी पर काफी विवाद हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कंगना की इस फिल्म पर कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई है। सेंसर बोर्ड ने कहा था कि कंगना की फिल्म में कई ऐसे विवादित सीन हैं जिसकी वजह से इस फिल्म को पास नहीं किया है। फिलहाल ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने फिल्म इमरजेंसी को पास न करने की वजह से फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म इमरजेंसी को UA सर्टिफिकेट देने की बात कही है। लेकिन फिल्म के अंदर 13 बड़े बदलाव किए जाएंगे। अगर फिल्म के मेकर्स इसके लिए राजी होंगे तभी यह फिल्म रिलीज हो पाएगी। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने फिल्म में कट लगाए जा सकते हैं या नहीं इस पर फैसला करने के लिए समय मांगा है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। सेंसर बोर्ड की बात मानने को नहीं तैयार कंगना। वहीं अब सेंसर बोर्ड की इस शर्त पर कंगना रनौत का बयान सामने आ गया है, जहां सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में साफ कर दिया है कि वो बिना ओट्स के फिल्म को रिलीज की हरी झंडी नहीं देंगे। वहीं कंगना भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। कंगना ने भी सीधा सीधा कह दिया है कि वो अपनी फिल्म इमरजेंसी में कोई कट नहीं लगाएंगी। कंगना ने कहा है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 13 कट्स लगाने का सुझाव दिया है, पर यह सुझाव अनुचित है और उनकी टीम इस पर अड़ी हुई है। बता दें कि कंगना रनौत ने फिल्म इमरजेंसी में न सिर्फ काम किया है बल्कि उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। कंगना ने बोर्ड को सीधा सीधा कह दिया है कि वो फिल्म की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए दृढ़ और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगी। कंगना ने इस मामले को लेकर एक बातचीत में कहा है कि हमें कट से लगाने के लिए सुझाव मिले हैं, लेकिन इसमें से कुछ सुझाव काफी अनुचित लगते हैं। अच्छी बात यह है कि अधिकांश इतिहासकारों और समीक्षा समिति के सदस्यों ने हमारी फिल्म में एक नेता के सबसे भरोसेमंद और तथ्यात्मक तरह से दिखाने के लिए तारीफ की है। उन्होंने विशेष रूप से सच्चाई के प्रति हमारा अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की है, जिसमें छोटी से छोटी बात से भी समझौता नहीं किया गया है। उनका यह समर्थन उत्साह बढ़ाता है। वहीं कंगना ने आगे लिखा है कि फिल्म को मिली यह तारीफ इस बात की पुष्टि करती है कि हमने कहानी को वो सम्मान दिया है जिसकी वो हकदार है। फिर भी हम अपने पक्ष के साथ खड़े हैं और फिल्म की अखंडता की रक्षा के लिए तैयार हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि फिल्म का सार बरकरार रहे। क्या थिएटर में रिलीज होगी इमरजेंसी? बता दें कि कंगना रनौत की इस फिल्म का जमकर विरोध भी हो रहा है। लोग कंगना की फिल्म का सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं, एक्ट्रेस के पुतले फूंक रहे हैं। सिख समुदाय के लोग कंगना की फिल्म इमरजेंसी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि इस फिल्म के जरिए सिखों का अपमान किया जा रहा है, जिससे देश में अशांति फैल रही है। शिरोमणि अकाली दल सहित सिख संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिल्म में सिखों से जुड़े कुछ आपत्तिजनक सीन्स हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा दो राजनीतिक नेताओं के बीच संवाद से संत और भिंडरा वाले शब्दों को हटाने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, गैर सिखों को लक्षित करने वाले कुछ सीन और संवादों को भी हटाने के लिए कहा गया है। अब कंगना की फिल्म को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में 30 सितंबर को सुनवाई होगी, जिसके बाद ही अब पता चल पाएगा कि यह फिल्म थिएटर्स में कब रिलीज होगी। इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी कंगना। बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाई गई इमरजेंसी पर बेस्ड है, जो कि लोकतंत्र पर एक काले धब्बे की तरह है। देश में इमरजेंसी लगने के बाद क्या कुछ हुआ, यही इस फिल्म में दिखाया जाएगा। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को 100 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनाया गया है। इस फिल्म में कंगना ने ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ कंगना ने इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है।
इस फिल्म को बनाने में कंगना ने अपना घर तक गिरवी रख दिया है। यह फिल्म उनके करियर के लिए काफी अहम फिल्म साबित हो सकती है। बताते चले कि इस फिल्म में कंगना के अलावा अनुपम खेर, महिमा चौधरी और श्रेयस तालपड़े अहम रोल में नजर आएंगे। कंगना की फिल्म कब रिलीज होगी इसका खुलासा 30 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।